चैप्टर नंबर 5 स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ का इंट्रोडक्शन हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं। अब इसको डिटेल में जाकर हमने पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले जो आपके पास सवाल आता है वो पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, और डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। बताएगा कोई कि स्केलर और वेक्टर का आपस में डिफरेंस क्या होता है? वेक्टर में डायरेक्शन पता होती है, स्केलर में डायरेक्शन जो है वो पता नहीं होती। स्केलर की सिर्फ तादाद होती है, मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है, और डायरेक्शंस दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं, सही है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, दोस फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर में लिखेंगे पहले, दोस फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज, जिनकी सिर्फ क्या होती है, मैग्नीट्यूड, विच हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, विच हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। क्या कहते हैं इन्हें, स्केलर क्वांटिटीज कहा जाता है। अब वेक्टर में क्या लिखेंगे, दोस फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। Those physical quantities which has magnitude as well as directions. are called क्या कहलाती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं सारी। नंबर 2 पॉइंट लिखिएगा, देखें स्केलर को तो हम सिंपल मैथमेटिकल रूल्स से जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्केलर्स को जो है हम सिंपल अर्थमेटिक रूल्स, जो मैथमेटिकल रूल हैं, उनसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर के लिए स्पेशल मेथड्स बनाए गए हैं जिससे उसे ऐड किया जाता है। मतलब ऐसा डायरेक्टली नहीं 4+4 कर दिया, 4+5 कर दिया, बिकॉज उनकी क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से इसको सॉल्व किया जाता है, सही है, वो अभी आगे बताऊंगा। ये फ़र्क है कि भाई स्केलर को हम सिंपल अर्थमेटिक रूल से ऐड कर सकते हैं, और वेक्टर को जो है वो स्पेशल रूल से ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, सही है। देखिए स्केलर्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल अर्थमेटिक रूल्स। स्केलर्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल अर्थमेटिक रूल्स। वेक्टर्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय स्पेशल रूल्स और ग्राफिकल रूल्स, ठीक है। नंबर 3 लिखिएगा, स्केलर को डिफाइन करने का सिंबल है, उसके ऊपर एक लाइन लगा देते हैं, ठीक है। स्केलर के ऊपर क्या लगा देते हैं, एक लाइन लगाते हैं सिर्फ,
और वेक्टर के ऊपर क्या आता है आपको पता है, एरो आता है, क्योंकि क्यों, क्योंकि वो क्या शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है उसकी, ठीक है। तो ये लिखिए, स्केलर इज डिनोटेड बाय अ सिंगल लाइन ऑन द हेड, वेक्टर पे लाइन की जगह क्या कर देंगे, एरो, ठीक है, ये फर्क है बस। नंबर फोर, एग्जाम्पल बताइएगा जरा स्केलर की, स्केलर की एग्जाम्पल्स क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायरेक्शन नहीं होती। लिखिए फॉर एग्जाम्पल स्पीड कॉमा डिस्टेंस टाइम टेम्परेचर एक्सेट्रा, और वेक्टर की वेक्टर का सेक्शन में लिखिएगा फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वेट फोर्स, ये सारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है एक्सेट्रा, और भी हैं बहुत सारी हैं जिनकी हमें डायरेक्शन पता हो। नेक्स्ट हेडिंग आपके पास आएगी बेटा नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, हेडिंग डालिए नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है, दो वेक्टर्स आपस में जा रहे हैं और उनका मैग्नीट्यूड सेम है, अगर एक डिस्टेंस एक डिस्प्लेसमेंट आपकी 4 मीटर की है, दूसरी डिस्प्लेसमेंट भी आपकी कितनी है 4 मीटर की है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सपोज मैं यहाँ से लेके वहाँ तक 4 मीटर कवर कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ से भी लेके यहाँ तक भी क्या कर रहा हूँ, 4 मीटर कवर कर रहा हूँ दोनों डायरेक्शंस में, दोनों का क्या है मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट है, तो ये क्या कहलाता है आपका, नेगेटिव ऑफ अ वैक्टर, मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या वैक्टर हैं, नेगेटिव ऑफ अ वैक्टर। देखिए द टू वैक्टर्स ए एंड बी, द टू वैक्टर्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी लिखिएगा ऊपर एरो बनाइएगा, और उसके द टू वैक्टर्स ए एंड बी आर सेम इन मैग्नीट्यूड, आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन then
ए इज सेट टू बी, ए इज सेट टू बी कैपिटल लिखिएगा, ए ए इज सेट टू बी नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी, ए इज सेट टू बी नेगेटिव वेक्टर ऑफ, ये देखिएगा इस तरह से बना लीजिएगा, हाँ ये देखें ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेक्टर गया मेरा, इसने कितनी डायरेक्शन, 4 सेंटीमीटर सपोज इसका हुआ है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 4 सेंटीमीटर है, सही है। अब दूसरा वेक्टर किस डायरेक्शन में जाना चाहिए नेगेटिव के लिए, है ना, इसकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तब वो उसका नेगेटिव वेक्टर होता है। तो ये देखिए ये दूसरा वेक्टर आ गया, ये भी कितना है बेटा 4 सेंटीमीटर है, ये ए है ये बी है और ये ए है, अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो इसकी साइन क्या हो जाएगी नेगेटिव। सही है, ठीक है, क्लियर है, जो बताया गया उसी तरह से हमने इसको फिगर बना ली है। हेडिंग डालिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हेड टू टेल रूल। ये एक मेथड होता है, बेसिकली एक मेथड होता है जिससे क्या होता है कि दो वेक्टर्स को ऐड किया जाता है, द मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ टू वेक्टर्स इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। जो वेक्टर्स को ऐड, मैंने बताया था ना कि ग्राफिकल मेथड होते हैं इनको ऐड करने के, ये सिंपल अरिथमेटिक रूल से ऐड नहीं होते बोल तो पहला मेरे पास जो मेथड है वो क्या हेड टू टेल रूल। इसमें होता ये है कि एक जो आपका वेक्टर है उसके हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से मिलाया जाता है, ठीक है, एक जो आपका वेक्टर है उसके हेड को दूसरे वेक्टर के किससे मिलाया जाता है, टेल से मिलाया जाता है, उसके नतीजे में आपके पास एक और वेक्टर बनता है जिसे हम क्या कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। हेड टू टेल रूल इसको इसलिए कहा गया है कि एक वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से क्या करते हैं ज्वाइन करते हैं और उसके नतीजे में आपके पास एक और वेक्टर बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो वेक्टर्स को ऐड किया गया तो आपके पास एक क्या बन गया नया वेक्टर बन गया जिसे क्या कहते हैं दोनों का कंबाइंड वेक्टर होता है जो कि रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। सही है, अभी मैं इसको डायग्राम के जरिए बना के दिखाऊंगा, पहले आप इसको जरा लिख लीजिए हरियम। द मेथड ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स The method of addition of two vectors graphically. The method of addition of two vectors graphically is called Addition of two vectors graphically is called head to tail rule of is called
हेड टू टेल रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सही है, यही बताया। अब एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डालिए, जरा एक्सप्लेन करते हैं इसको, जरा सा कंसिडर करते हैं हम कुछ। कंसिडर टू वेक्टर्स, कंसिडर टू वेक्टर्स ए एंड बी, कंसिडर टू वेक्टर्स ए एंड बी, फुल स्टॉप। वी ज्वाइन द हेड ऑफ वेक्टर ए, वी ज्वाइन द हेड ऑफ वेक्टर ए विद द टेल ऑफ वेक्टर बी, विद द टेल ऑफ वेक्टर बी इन सच अ वे दैट the resultant vector is formed, the resultant vector is formed by adding two vectors, is formed by adding two vectors, full stop, the resultant vector is R, capital R बनाइएगा उसके ऊपर arrow, the resultant vector is R, ठीक है, is R, mathematically it can be written as ये देखिएगा, ऐसे लिख सकते हैं, सही है ना। आर वेक्टर बन गया जब हमने किसको ऐड किया, ए और, सही है, ठीक है। अब ये देखिए, ये मेरा बेटा ए वेक्टर है, ये इसका सर है, ठीक है, ये हेड है। क्या मिलाना है, टेल मिलानी है, कौन से वेक्टर की, बी वेक्टर की, तो इसके हेड के साथ मिलानी है, तो इस डायरेक्शन में जाएगा, सही है। इसको बना लीजिएगा जरा प्रॉपर, ये आपका कौन सा वेक्टर हो गया बेटा, बी वेक्टर। दोनों को मैंने मिलाया तो आपके पास क्या बन गया, नतीजे में रिजल्टेंट वेक्टर बन गया, ये आ गया जनाब, इसकी डायरेक्शन भी इधर है। ये आ गया आपका कौन सा वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, और ये कौन सा एंगल बना रहा है बेटा, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, सही है। दोनों को मैंने ज्वाइन किया, हाइपोटेनियस में मेरे पास कौन सा वेक्टर आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, सही है। इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में, इस चैप्टर को कल, इसकी थ्योरी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। और ये डायग्राम आप लोगों ने बना लेनी है, ये बनानी ज़रूरी है, इसके बगैर मार्क्स नहीं मिलेंगे, 4 मार्क्स का आपके पास शॉर्ट आता है ये।